किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर कृष्ण चंद्रा, निदेशक राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, जो कि भारत सरकार की संस्था है। मैंने पहले आपको दिखाया था कि आम के पेड़, इस समय ठंडी का मौसम है, दिसंबर चल रहा है, तो नवंबर में हमने आम के पेड़ को दिखाया था कि इसको अच्छी तरह से धुलाई कर दीजिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि ठंडियों में हम लोग आम के पेड़ की धुलाई करते हैं, लेकिन उसमें केमिकल्स यूज़ करते हैं, तरह तरह के केमिकल उसमें डाल के हम लोग वास करते हैं ताकि बीमारी न लगे। लेकिन हमने उसको वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया था, वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन 50% था, उससे हमने इसको ऊपर धुलाई की थी। उसके अंदर हमने 50% वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन डाला था, यानी 50 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर सोल्यूशन लिया। उसके अंदर हमने 10 लीटर ये आपका जो हर्बल एक्सट्रैक्ट है उसको डाला था। फिर साथ में हमने करीबी आपका 5 लीटर के आसपास जो पत्थरों से निकला जूस था वो डाला था। तो उसको मिला के हमने प्लांट के ऊपर पूरी अच्छे तरह से नहला दिया था। तो अच्छे से स्प्रे करके नहलाने के बाद उसको छोड़ दिया था। तो आज देखिए 20 दिन के ऊपर हो गए हैं और इसका क्या परिवर्तन आया है, पेड़ में क्या चीज़ इसमें बदलाव आया, वो आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि उसमें फुटान चालू हो चुकी है। आम का पेड़ है और इसमें देखिए यहाँ पर पास में अगर आप देखें तो ये फुटान चालू हो चुकी है, ये नए नए कलियाँ निकल आई हैं। और यहाँ देखिए पास से ये भी देखिए, ये पूरे के पूरे सम में कलियाँ, क्योंकि इसको हम लोगों ने प्लांट को छांट दिया था ताकि जो है थोड़ा सा धूप इसके अंदर आए और ज़्यादा जो है प्लांट आपका आसानी से स्पेस मिले, तो उसके लिए हमने ये काटा था। नीचे जो टहनी नीचे जटक रही थी वो काट दी गई थी। तो ये आपके फुटान चालू हो गए स्प्रे करने के बाद ही, ये परिवर्तन आया है। और इनके जो हमारे लीव्स हैं देखिए, वो भी उनमें भी अलग तरह का हमारा ग्रेस है, अलग तरह की चमक आ रही है। इसी तरह से हमने बाकी प्लांट में भी किए थे स्प्रे, उसको ऊपर भी दिखाना चाहते हैं। ये देखिए इसमें दूसरे प्लांट है, इसमें भी देखिए कली आपके नए नए पत्ते निकलने शुरू हो गए। सारे पत्ते देखिए कितने बड़े बड़े चौड़े चौड़े पत्ते इसमें निकल रहे हैं। ये आपके सारा स्प्रे करने की वजह से ये परिवर्तन आया है। और आप ऊपर देखेंगे यहाँ पर भी आपके अच्छे से पेड़ के नए नए पत्ते निकल रहे हैं और डार्क ग्रीन चौड़ाई सब कुछ मिल रही है। तो ये आपके जैसे प्लांट को वास करते हैं, तो एक हमने वास किया था, अब इसको फिर दोबारा हम दोबारा 5-6 दिन के बाद फिर एक और वास करेंगे, फिर देखेंगे इसमें पूरा चेंजेस क्या आते हैं। तो लेकिन ये तय है कि जब इसको आप वास करते हैं तो एक तो बीमारी से देखिए बिल्कुल हटेगा, कोई भी इसमें स्टम में देखिए बिल्कुल क्लीन है, कोई इसमें किसी तरह की बीमारी अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। और पूरे टहनियों में भी जैसे काला काला धब्बा आता है वो भी इसमें नहीं आ रहा है, प्लांट बिल्कुल सही है। तो इसको नहला के, एक अभी नहलाई की थी तो 3 कम से कम नहलाई करें, 3 से 4-5 तक करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो एक नहलाई के बाद हम दूसरी नहलाई इसको करेंगे, इसको प्लांट को पूरा भिगो देंगे, फिर देखेंगे क्या और परिवर्तन आता है।